हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सरकार की बदनामी कराने में कोई कसर बीजेपी नेता नहीं छोड़ रहे। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि वाराणसी में एक वरिष्ठ बीजेपी नेता पर रेप के गंभीर आरोप लगे हैं। हद की बात तो यह है कि पुलिस ने बीजेपी नेता को होटल से गिरफ्तार किया, जो नौकरी का झांसा देकर महिला का यौन शोषण कर रहा था। मोक्ष नगरी में बीजेपी नेता का पाप, नौकरी का झांसा देकर किया बलात्कार। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और भदोही के पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्र पर वाराणसी के एक होटल में युवती को नौकरी का झांसा देकर बलात्कार के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्ताधारी दल से जुड़े होने की वजह से इस प्रकरण में काफी देर तक मामले को छिपाने की कोशिश होती रही, लेकिन चीजें छुप नहीं पाई। सियासी दल पर दाग न लगे इसके लिए भी बीजेपी से दूरी दिखाने की कोशिश हुई। पुलिस के मुताबिक भदोही निवासी कन्हैया लाल मिश्र किसान हैं और उसने भदोही की ही एक महिला को नौकरी दिलाने का वादा किया था। बताया जा रहा है कि रेलवे में अपने मजबूत लिंक की मदद से वो युवती को वहां नौकरी दिलाने की बात कहकर किसी अधिकारी से मिलने के नाम पर कैंट स्थित एक लॉज में बुलाया था और यहीं पर ये घटना हुई। जिस लॉज में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष रुका था, वो भी एक भाजपा पार्षद का ही बताया जा रहा है। आरोप है कि यहाँ पर जब महिला पूर्व जिला अध्यक्ष के कमरे में गई तो बीजेपी नेता उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। महिला ने इसका काफी विरोध किया और चिल्लाने लगी, जिस पर होटल प्रबंधन के लोग वहां पहुंचे और मामले को दबाने में लग गए। लेकिन महिला शांत नहीं हुई और उसने तत्काल 100 नंबर पर इसकी सूचना दे दी। इस दौरान बगल के कमरे में रुके हुए लोग पहुंचे। लोगों ने फोन पर सिगरा पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। मौके पर पहुंची महिला पुलिस ने आरोपी पूर्व जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर आ गई। पकड़े जाने के बाद भाजपा नेता खुद को किसान बता रहा है। उन्नाव रेप कांड में भाजपा के विधायक पर आरोप लगने के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की किरकिरी हुई। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वाराणसी में ऐसी घटना सामने आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भाजपा नेता को हिरासत में लेकर थाने चली आई, जहां युवती के मेडिकल के बाद भाजपा नेता कन्हैया लाल मिश्र को 279/18 IPC की धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।